हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, लास्ट टाइम हमने कुछ लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ बैड फैक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उसके अंदर जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसको आज हम स्टडी करेंगे। तो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर बेटा तीन चीजें आती है इसमें। फर्स्ट जो आता है वो आता है इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बेटा इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर आता है कोडोमिनेंस। बेटा जो थर्ड आता है वो आता है मल्टीपल अलील्स। बेटा ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है लॉ ऑफ डोमिनेंस के या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के। ठीक है, तो इसमें बेटा आज हम ये दो पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा मल्टीपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। सेकेंड लेक्चर के अंदर हम ये मल्टीपल अलील्स हम अलग से लेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये। तो इसके अंदर बेटा फर्स्ट आज पढ़ते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बेटा इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस बोला जाता है, बता चुके हम आपको। तो बेटा इसके अंदर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इसके अंदर बेटा साफ नजर आ रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, कि डोमिनेंट जो हमारे पास अलील्स है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसी को बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि भाई हमारे पास क्या होता है इन हिट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है, इसके अंदर वन अलील जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, और अपना इफेक्ट करता है शो। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स अगर बेटा हम इसका फिनोटाइप देखते हैं तो क्या आता है? टॉल आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इस वाले अलील्स ने एक जीन्स है ये हमारे पास और इसके क्या है? दो अलील्स हैं। तो बेटा ये जो डोमिनेंट है इसके अंदर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको बेटा डोमिनेंट अलील्स बोला जाता है, दूसरे को रिसेसिव बोला जाता है। तो इसके अंदर बेटा ये जो कैपिटल टी है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, और इसी वजह से इसको बोला जाता है डोमिनेंट अलील और ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसी वजह से इसको बोल दिया जाता है रिसेसिव अलील। तो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस द डोमिनेंट अलील अनेबल टू एक्सप्रेस कंप्लीटली एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कैरेक्टर। तो ये क्या होता है? तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसके अंदर हम बता चुके हैं आपको कि इसके अंदर अगर हम बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक जो अलील्स होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, लेकिन बेटा ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसमें क्या होता है कि वो जो डोमिनेंट अलील है हमारे पास वो अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे कि किसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि जब वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो बेटा हमारे पास इंटरमीडिएट कैरेक्टर का ओरिजन होता है, ठीक है, तो उसको बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। ठीक है,
अगर हम बेटा इसके एग्जांपल्स की बात करें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है वो किस किस में देखा जाता है, तो बेटा इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस होता है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था कॉर्ल कॉन्स, ये बेटा एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डेमोस्ट्रेट किया था, ठीक है। और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट जो एग्जांपल्स देखा गया था बेटा मिराविला जलापा, इस प्लांट के अंदर ही बेटा देखने को मिलता है। इसके अलावा एक प्लांट और है हमारे पास, ठीक है, दूसरा जो प्लांट है बेटा उसको बोला जाता है एंटीहेरियम, और स्पीसीज बेटा इसकी मेजस है, ठीक है। तो मिराविला जो जलापा है ये एक प्लांट है हमारे पास और ये एक प्लांट है, इसके बेटा जो फ्लावर्स होते हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, ठीक है। जो मिराविला जलापा है इसको बेटा फोर ओक्लॉक प्लांट भी बोला जाता है, और बेटा ये जो है एंटीहेरियम मेजस इसको बेटा स्नैप ड्रैगन भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर डॉग फ्लावर प्लांट ही बोला जाता है, ठीक है। अभी बेटा ये जो दो प्लांट होते हैं ये हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके अंदर अभी देखते हैं, बेटा अगर हम बात करते हैं मिराविला जलापा जो प्लांट है हमारे पास फोर ओ क्लॉक प्लांट, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक प्लांट हमने वो लिया जिसके फ्लावर कैसे थे, रेड थे, ठीक है, एक प्लांट वो लिया जिसके फ्लावर कैसे थे, वाइट थे, ठीक है, ये बेटा रेड है और दूसरे क्या है वाइट फ्लावर, ठीक है। अगर हम बात करें कैरेक्टर क्या ले रहे हैं तो बेटा इसके हम क्रॉसिंग करा रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना रहे हैं, और क्या किसके कैरेक्टर ले रहे हैं हम इसके फ्लावर कलर का, ठीक है। तो फ्लावर कलर के अंदर बेटा हमने क्या लिया, एक प्लांट वो लिया जिसके जो फ्लावर है कैसे हैं, रेड है, दूसरा प्लांट वो लिया जिसके फ्लावर कैसे हैं, व्हाइट है। तो बेटा हमने इसके बीच में क्या कराया, क्रॉसिंग कराया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाया। तो अब पुनिट स्क्वायर के बीच में कराते हैं, पुनिट स्क्वायर जो है अब रेस्पॉन्सिबल होता है क्रॉसिंग के लिए, तो आप नॉर्मल लीव करा सकते हो, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। बेटा हमारे पास चार क्या है, एफ वन जनरेशन के अंदर फोर प्लांट आए, ठीक है, बेटा रेड और व्हाइट के बीच हमने क्या कराया, क्रॉसिंग कराया फ्लावर्स के बीच में, ठीक है, कि कोई दो प्लांट है इसके फोर ओ क्लॉक प्लांट के, तो हमने रेड क्या लिए हैं, प्लांट लिया है जो फ्लावर रेड है उसके अंदर वो लिया है, दूसरा एक प्लांट लिया जिसके क्या है व्हाइट फ्लावर है। अब बेटा हमने एफ1 जनरेशन कराई थी, इसके अंदर क्या आया, फोर हमारे पास क्या आई, प्रोजेनी आई, पॉसिबिलिटी आई। तो बेटा इसके अंदर क्या है कि अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस करता, कंप्लीट एक्सप्रेस करता रेड वाला, तो बेटा ये क्या आने चाहिए थे, ऑल रेड आने चाहिए थे, क्या आने चाहिए थे, ये ऑल रेड आने चाहिए थे, लेकिन ये रेड नहीं आते और क्या आ जाते हैं, ऑल पिंक आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके फीनोटाइप की बात करते हैं तो बेटा ये क्या आ जाता है, और क्या आ जाता है, ऑल पिंक आ जाते हैं, ठीक है, भाई रेड आने चाहिए थे, या अगर इसके अंदर ये व्हाइट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता फॉर कंसिडरेंस, तो बेटा ये क्या आने चाहिए थे, या तो फ्लोर क्या आने चाहिए थे, रेड आने चाहिए थे, या क्या आने चाहिए थे, व्हाइट आने चाहिए थे,
लेकिन क्या है कि ना तो रेड आए ना व्हाइट आए, और हमारे पास क्या आ गया, इंटरमीडिएट कलर आ गया, इसका इंटरमीडिएट करेक्टर आ गया, तो पिंक हो गया ये। ठीक है, तो ये बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि रेड और व्हाइट को छोड़ के कोई तीसरा अपने आप में इंटरमीडिएट करेक्टर आ जाता है, जिसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। अब बेटा अगर इसके बीच में हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराते हैं। ये तो F1 जनरेशन थी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, F2 जनरेशन आई। इसके बीच में बेटा हम क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बेटा क्रॉस करेगा इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल आर। ये इसके साथ करेगा तो बेटा क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इसके साथ करेगा तो बेटा क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये बेटा हमारे पास F2 जो जनरेशन है, इस F2 जनरेशन के अंदर क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये बेटा चार हमारे पास क्या है, क्रोजेनी आई। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या आता है, ये तो क्या है, रेड है भाई, सेम ऐसा है, पेरेंट जैसा है, जो F1 जनरेशन का जो पेरेंट था हमने लिया था, F1 जनरेशन जो आई थी उसके अंदर जो पेरेंट यूज किए थे हमने, सेम ऐसा ही है, तो रेड है ये। बेटा ये भी ऐसा ही है सेम, तो क्या आएगा, ये व्हाइट आएगा। लेकिन इसके अंदर ये जो कैपिटल आर जो स्मॉल आर है, कैपिटल आर जो स्मॉल आर है दो, ये बेटा फिर पिंक रह जाते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर हम यहाँ पे फिनोटाइप की बात करते हैं, तो हमारे पास फिनोटाइप 1:1 आएगा, 1 रेड है, ठीक है, 2 क्या है हमारे पास, पिंक है, और 1 क्या है, व्हाइट है। तो बेटा 1:1 क्या है, यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो आया। अगर हम बेटा जीनोटाइप की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, अलग है अपने आप में, ये दो क्या है, सेम है, और ये क्या है, अलग है, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो बेटा इसके अंदर जीनोटाइप और जो फिनोटाइप होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, वो सेम रहता है। तो बेटा ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये किसकी वजह से होता है, तो इसके अंदर एक बात आती है कि ब्लेंडिंग होता है एक, तो ये बोला जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज नॉट ए ब्लेंडिंग। ठीक है, नॉट ए ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि बेटा अगर हमने रेड रेड है और ये क्या है, व्हाइट है, इसके बाद क्या है, पिंक आ गए सारे। ठीक है, इंटरमीडिएट करेक्टर आ गया हमारे पास। लेकिन बेटा अगर ब्लेंडिंग होती है तो नेक्स्ट स्टेप में भी होनी चाहिए, और ये जो पिंक है वापिस हमारे पास रेड और व्हाइट नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई और आना चाहिए, कि पिंक और पिंक को हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो कोई इंटरमीडिएट और कम बनना चाहिए करेक्टर हमारे पास। लेकिन ये वापिस क्या आ जाते हैं, रेड और व्हाइट आ जाते हैं, कि जो पेरेंटल करेक्टर है वो इसके अंदर है तो सही, लेकिन वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो बेटा ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, जब दो कलर के बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, तो बेटा तीसरा बनता है। ठीक है, ब्लेंडिंग का मतलब। लेकिन इस ब्लेंडिंग के अंदर क्या होता है कि अगर हम उसको दोबारा क्रॉसिंग कराते हैं तो कोई तीसरा इंटरमीडिएट आना चाहिए करेक्टर का, लेकिन इसके अंदर रेड और व्हाइट ही आ जाते हैं दोबारा, तो बेटा ये ब्लेंडिंग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस वजह से होती है, इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है बेटा वो किस वजह से हो सकती है, इवोल्यूशन जो होता है उसकी वजह से होता है, या फिर म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में बात करें, या ये कहें कि भाई जो उसके हमारे पास अलील से उसके अंदर किस, वो किसके बने हुए, जीन्स के बने हुए, मतलब जो अलील से वो किसके बने, डीएनए के, तो डीएनए के अंदर इंटरनल अगर सडन चेंजमेंट हो जाता है किसी भी वजह से, तो बेटा उसको म्यूटेशन बोला जाता है। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब भी बेटा चेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो म्यूटेशन की वजह से भी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकता है। ठीक है, दूसरा एवोल्यूशन की वजह से भी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकता है। नेक्स्ट जो बेटा हमने स्नैपड्रैगन लिया था, उसी के अंदर भी यही होता है, ये रेड फ्लोवर जो होता है उसको अगर हम व्हाइट फ्लोवर प्लांट के साथ क्रॉसिंग कराते हैं तो हमारे पास सेम यही प्रोसेस आता है। और बेटा इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है उसके अंदर जीनोटाइप और जो फिनोटाइप होता है वो सेम रहता है इसके अंदर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। तो ये बेटा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोडोमिनेंस। को का मतलब होता है भाई साथ साथ, तो इसके अंदर क्या होता है, कोडोमिनेंस के अंदर
अब भाई इसके अंदर क्या है, कोडोमिनेंस हमारे पास सेकंड एक्सेप्शन केस ले रहे हैं बेटा हम कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे को का मतलब बेटा होता है साथ साथ, ठीक है। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर पढ़ा था कि एक जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट होता है, दूसरा होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। लेकिन बेटा कोडोमिनेंस का मतलब है ना तो डोमिनेंट होगा उसके अंदर और ना रिसेसिव होगा, और दोनों अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर अगर हम बात करना चाहें कोडोमिनेंस के अंदर, तो इन दिस नो डोमिनेंस एंड नो रिसेसिव, एलील्स एंड दे एक्सप्रेस बोथ, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ना तो डोमिनेंस है, ठीक है, ना उसके अंदर रिसेसिव है, और जो दोनों के दोनों है वो एक्सप्रेस एक साथ करते हैं, दोनों के दोनों जो है हमारे पास वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक साथ, ठीक है। तो बेटा वो होता है कोडोमिनेंस, को का मतलब होता है यहाँ पे साथ होना, और डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो उनका डोमिनेंस नेचर है, ठीक है, वो उसके अंदर ना तो कोई डोमिनेंट है ना रिसेसिव है, दोनों के दोनों क्या करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डोमिनेंस। यानी कि उसके अंदर ना डोमिनेंट मिलेगा आपको ना रिसेसिव मिलेगा, दोनों के दोनों जो होंगे एलील्स वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो बेटा उसको बोला जाता है कोडोमिनेंस को, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जांपल्स बेटा किसके अंदर आता है कि जो कैटल होती है, ठीक है, कैटल का अगर हम कॉट कलर लेते हैं, कॉट कलर का मतलब क्या होता है कि जो उस पर फर होती है, ठीक है, उसका कलर लेते हैं, तो उसके अंदर क्रॉसिंग कराते हैं बेटा हम, इसका एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, तो बेटा कैटल कलर, कैटल जो है उसका कॉट कलर, ठीक है। तो कोट कलर के अंदर बेटा क्या लिया हमने, फॉर एग्जांपल रेड लिया, सॉरी ब्लैक लिया, ब्लैक को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया, ठीक है, दूसरा हमने स्मॉल आर लिया व्हाइट, ठीक है। बेटा एक हमने जो क्रॉसिंग कराने के लिए पेरेंट लिए हैं, ठीक है, पेरेंट्स लिए हैं, उसके अंदर एक तो हमने कैटल क्या ले ली है जिसका फर का कलर क्या है, ब्लैक है, और दूसरी क्या ले ली है जिसका फर का कलर क्या है, व्हाइट है, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, उन्हें स्केयर कराते हैं, तो बेटा ये क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो बेटा सबके अंदर ही क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे पास अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है तो बेटा इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट बनना चाहिए करेक्टर, अगर ये डोमिनेंट करेक्टर शो करता है तो बेटा इसके अंदर ब्लैक होना चाहिए या व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि उसका जो फर का कलर होता है वो किस टाइप से हो जाता है कि फर का जो कलर होता है बेटा वो उसके अंदर व्हाइट तो रहता है इस टाइप से, ठीक है, और उसके अंदर पैचेस हो जाते हैं किसके, ब्लैक के, ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बेटा चार पोजन ही आई इसके अंदर, सभी के अंदर क्या होता है कि जो उनकी फर का कलर है कि जिसको हम क्या बोले, कोट कलर बोल रहे हैं, उस फर के अंदर क्या आया कि फर जो है उसके अंदर दो कलर हैं, एक दूसरे के इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है, क्या है ये कि इंटरमीडिएट का मतलब कि ब्लैक और व्हाइट मिलके क्या हो जाता, ग्रे हो जाता, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बेटा व्हाइट और जो ब्लैक है, ब्लैक और जो व्हाइट है वो दोनों के दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो किसके अंदर, किसकी कलर जो है फर का वो ब्लैक व्हाइट है, लेकिन उसके अंदर कुछ पैचेज आ जाते हैं किसके, ब्लैक के आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल आर है उसने भी अपना जो कैपिटल आर है उसने भी अपना जो अफेक्ट था वो शो किया है, और जो स्मॉल आर है उसने भी अपना अफेक्ट शो किया है, ठीक है। तो बेटा इसी वजह से कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो कैपिटल आर जो स्मॉल आर प्रोजेनी आई है उसके अंदर बेटा ये जो कैपिटल आर है
ठीक है, किसको डिनोट कर रहा था, ब्लैक को, स्मॉल आर किसको डिनोट कर रहा था, व्हाइट को। तो उसके अंदर जो प्रोजेनी आई उसके अंदर ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर आ जाते हैं, इसी वजह से इसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। को का मतलब क्या है, जो साथ साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ना तो इसके अंदर बेटा कोई डोमिनेंट है ना इसके अंदर कोई रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि अगर हम उसको हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर देखते हैं तो एक अपने आप को एक्सप्रेस करता था, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन इसके अंदर अपने आप को दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये कैसे करेक्टर हो गए, एक प्रकार से जो अलील है वो डोमिनेंट का काम कर रहे हैं, इसी वजह से इसको बेटा को डोमिनेंट बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर बेटा इसका हम कैपिटल आर और जो स्मॉल आर है और कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये हमारे पास बेटा F1 जनरेशन आई थी, अगर हम F2 जनरेशन निकालते हैं इसके बीच में, ठीक है, F2 जनरेशन अगर बेटा निकाला जाता है इसके अंदर तो पुनेट स्क्वायर लेंगे हम, ठीक है, अगर आप नॉर्मली वैसे भी गैमेट बना के बना सकते हो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बेटा इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, ये इसके साथ करेगा तो बेटा क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, बेटा ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये बेटा फोर प्रोजेनी आई हमारे पास इसके अंदर F2 जनरेशन के अंदर, ठीक है। अब F2 जनरेशन जो है बेटा इसके अंदर क्या है, कैपिटल आर आया है ये, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे ये क्या था हमारे पास ब्लैक था, ठीक है, और ये बेटा क्या लिया था हमने, व्हाइट लिया था, और ये बेटा क्या आ जाते हैं, दोनों के दोनों कलर कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन तो नहीं कह सकते कि दोनों प्रेजेंट होंगे, ब्लैक भी और व्हाइट भी, ठीक है। तो ये कोडोमिनेंस हो गया, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर क्या आता है कि अगर हम इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप देखते हैं तो फिनोटाइप भी बेटा 1:1 ही आएगा, 1 है ये क्या है, ब्लैक दिखाई दे रहा है हमें, ये हमें व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट दोनों है जिसके अंदर वो दिखाई दे रहे हैं। अगर बेटा इसकी जीनोटाइप की बात करते हैं हम, तो बेटा जीनोटाइप के अंदर भी ये अपने आप को अलग है, ये अलग है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो क्या आएगा 1:1, ठीक है। तो बेटा ये क्या है हमारे पास जीनोटाइप है और ये फिनोटाइप है, तो बेटा इसके अंदर भी जो कोडोमिनेंस है उसके अंदर भी जो जीनोटाइप फिनोटाइप है वो सेम आते हैं, और हमने लास्ट जो पढ़ा था इससे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसके अंदर बेटा इसी टाइप से आता है। तो जो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो होता है दोनों के अंदर सेम होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर भी और कोडोमिनेंस के अंदर भी। बेटा नेक्स्ट टाइम इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, फॉर एग्जाम्पल ए बी ब्लड ग्रुप है हमारे पास, अब जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ए जो अलील है वो भी रहेगा, दूसरा बी अलील्स भी रहेगा। तो आपको पता है कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर आरबीसीज की जो सरफेस होती है उस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इसके अंदर क्या है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें जो आरबीसीज की जो सरफेस होती है उस आरबीसीज की सरफेस पे ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा, ठीक है। तो ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो बेटा ये भी क्या है, एक प्रकार से कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार से कोडोमिनेंस होता है, क्योंकि उसके अंदर ए जो होता है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है ए एलील्स, और बी होता है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो बेटा ये भी क्या है, एक प्रकार से कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट बेटा, अगर आपने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछा होगा, सिकल सेल हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं हम, बेटा ये सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो आरबीसीज होती है ये आरबीसी सिकल शेप हो जाती है, सिकल शेप का मतलब बेटा क्या होता है, दराती, ठीक है। जब फसल काटते हो वो जो दराती होती है इस शेप में, आरबीसी जो होती है वो इस शेप में हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर भी हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है,
उसकी कमी आ जाती है, मतलब नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है उससे सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक डिजीज होती है, और ये सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो आरबीसीज होती है उसकी शेप इस टाइप से हो जाती है, ठीक है, और उसमें हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है नॉर्मल हीमोग्लोबिन की। तो उसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बेटा ये जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है वो इस टाइप का होता है HbA, ठीक है। लेकिन बेटा सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन जो होता है HbS होता है, ठीक है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अभी बेटा जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर क्या है कि नॉर्मल वाला HbA है हमारे पास, ठीक है, और HbS जो है वो क्या है, सिकल सेल वाला है, ठीक है। अभी बेटा ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ये तो अपना नॉर्मल वाला काम करेगा और ये जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज है उसका काम करेगा, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों अपने आप को बेटा एक्सप्रेस करते हैं, इसी वजह से सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है एक प्रकार से उसके जो एक्सप्रेशन जो होता है वो भी एक सिकल सेल है, वो कोडोमिनेंस का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अगर ये बेटा HbS और HbS हो जाता है दोनों पे, ठीक है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो था वो भी HbS हो गया और ये ऑलरेडी हाई प्रेजेंट उसके अंदर, ठीक है, जो बचा था HbA वो भी HbS हो गया, तो डेड हो जाता है जो पेशेंट है वो। तो बेटा ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसके अंदर, एनीमिया का मतलब होता है बेटा ब्लड की कमी आना, ठीक है, ठीक है, क्लियर। और सिकल सेल का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो आरबीसीज है उस आरबीसीज के अंदर ये जो उसकी जो शेप होती है आरबीसीज की वो क्या हो जाती है, सिकल टाइप में हो जाती है, दराती जो होती है उस शेप में हो जाती है। तो उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन जो होता है HbA वो बेटा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो बेटा ये जो ऑक्सीजन होती है ये अपनी इससे बाइंड होती है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है अपनी बाइंडिंग कैपेसिटी खो देता है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, उसको बेटा बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो कोडोमिनेंस के अंदर बेटा ए बी ब्लड ग्रुप सिकल सेल एनीमिया, और तीसरा हमने क्या पढ़ा है, कॉट कलर ऑफ कैटल, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है वो कोडोमिनेंस के, ठीक है, क्लियर है। कोडोमिनेंस डोमिनेंस से थोड़ा सा अलग है, एक्सेप्शनल केसेस है इसका कि उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर की, ठीक है, ये हमने ब्लैक से डिनोट किया था, और ये बेटा स्मॉल आर थी हमने किससे डिनोट किया था, मतलब स्मॉल आर था वो क्या, वो अपने आप को क्या करता है, किसके लिए डिनोशन था, ये व्हाइट कलर के लिए। तो बेटा इसके अंदर अगर हम डोमिनेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर ये रेड कलर को डिनोट, ब्लैक कलर को डिनोट कर रहा है, ये हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है, व्हाइट कलर को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए था कि इसके अंदर या तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, ठीक है, तो क्या आना चाहिए था भाई, ब्लैक आना चाहिए था, और या ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था तो क्या आना चाहिए, व्हाइट आना चाहिए था। लेकिन बेटा ये दोनों के दोनों आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो अलील्स है दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इसी वजह से दोनों के दोनों डोमिनेंट वाला काम कर रहे हैं, इसलिए बेटा इसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। इसके अंदर सिंगल कोई भी डोमिनेंस और रिसेसिव नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों एज ए डोमिनेंट करेक्ट अलील्स का काम कर रहे हैं, इसी वजह से इसको बोला जाता है कोडोमिनेंस, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।